हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव का जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। यति नरसिंहन आनंद ने एक बार फिर दिया मुस्लिम विरोधी बयान, बोले हिंदू राष्ट्र के लिए मक्का पर भी कब्जा करना होगा। आपको बताते चले कि अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले यति नरसिंहन आनंद ने एक बार फिर मुस्लिम विरोधी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के मुकद्दस शहर मक्का पर भी कब्जा करना होगा। आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव का जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। आपको मक्केश्वर महादेव को जीतना ही पड़ेगा। आपको कैंसर परवार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। हिंदू जागृत सम्मेलन के मंच से यति नरसिंहन आनंद ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा सपना है, वीर सावर का सपना है, शिवाजी का सपना है, लेकिन ये सपना सबकी आंखों में होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र केवल अफगानिस्तान तक नहीं बल्कि मक्का तक होना चाहिए। इसके बाद यति नरसिंहन आनंद ने यह भी कहा है कि हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपका मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमज़ोर नहीं कर सकती। आप इस बात को भी नरसिंह आनंद की जुबानी सुन सकते हैं। आपको कैंसर परवार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। यति नरसिंहन आनंद ने आगे ये भी कहा है कि आपको मक्केश्वर महादेव को जीतना होगा, आपको कैंसर पर वार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। इस आज का सनातनी हिंदू यह कर सकता है, बस आपको अपने धर्म के प्रति समर्पित करना होगा। आपने सुना यति नरसिंहन आनंद किस तरह जहरीला बयान जो है मंच पर आकर दे रहा है, लेकिन आज तक ये बात समझ नहीं आती कि ये आए दिन कुछ ना कुछ इस्लाम के ख़िलाफ़ पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता रहता है। लेकिन क्यों इसकी ज़ुबान पर ताला नहीं लगाया जाता, क्यों हुकूमत इसकी ज़ुबान को बंद नहीं करती? आखिरकार कब तक ये बंदा इस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जहर फैलाता रहेगा? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।